पाकिस्तान से ये अहम और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं। इसी बीच खबर ये आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के दुश्मनों को अंडरग्राउंड कर दिया है। जैश चीफ मसूद अजहर को बहावलपुर के ISI के सेफ हाउस में रखा गया है। NIA ने पठानकोट के आरोपी जैश चीफ मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ समेत दो और आतंकियों को अंडरग्राउंड कर दिया है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए राजन सिंह जुड़ गए। राजन, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, NIA की टीम अब जाने वाली है पाकिस्तान, उससे पहले ISI किस तरह की हरकतें आतंकवाद को लेकर और मसूद अजहर को लेकर अपना रुख नहीं बदलेगा पाकिस्तान क्या? देखिए, भारत ने जो पुख्ता सबूत मुहैया कराए थे, NIA जब पाकिस्तान से GIC की टीम आई थी और NIA ने सबूत मुहैया, उस पर कार्रवाई की बात तो दूर, जब NIA टीम पाकिस्तान जाकर पठानकोट हमले की जांच करना चाहती है, उससे पहले पाकिस्तान ने न सिर्फ सबूतों को मिटाने की कोशिश की है बल्कि जो मास्टरमाइंड और दूसरे आरोपी हैं उनको सेफ हाउस में रखा है। जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है कि बहावलपुर के पास मौजगढ़ का एक किला है जहां पर ISI का सेफ हाउस है, वहां पर मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और बाकी जो हैंडलर्स हैं उन्हें रखा गया है, ताकि NIA की टीम अगर पाकिस्तान जाने की इजाजत मिलती है और वो वहां पर जांच करने के लिए जाती है तो वो वहां पे खाली आता है, क्योंकि जो तमाम सबूत हैं उन्हें न सिर्फ नष्ट किया जा रहा है बल्कि आतंकियों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ कुछ भी नहीं लगे। तो ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान की एक चाल है ताकि भारतीय जांच एजेंसियां अगर वहां जाने की बात करती भी हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगे।